Option Chain Analysis एक ऐसा फीचर जो कि डेरिवेटिव एफ एंड ओ ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है मैंडेटरी है उसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स के बारे में हमने बात की है उनका ऑप्शन चेन एनालाइज किया है ताकि आप एज एन एफ एंड ओ ट्रेडर बिल्कुल भी असमर्थ महसूस ना करें ऐसा ना लगे कि आपको आइडिया नहीं है कि इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है फॉर एफ एंड ओ आज इस वीडियो में बात करेंगे एडरवाइस मोबाइल ट्रेडर एप्लीकेशन की जो एडरवाइज ब्रोकर के द्वारा दी जाती है ये स्टॉक ब्रोकर हाइब्रिड ब्रोकर है फुल सर्विस भी प्रोवाइड करता है डिस्काउंट भी लेकिन आज इनकी मोबाइल ऐप को थोड़ा पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि एफ ओ ट्रेडर के लिए इनके पास क्या है तो आइए शुरू करते हैं तो दोस्तों जब आप इसमें लॉग इन करते हैं ना तो जनरल ऐप में जैसे दिखता है कि डैशबोर्ड दिख रहा है मार्केट मूवमेंट्स दिख रहे हैं स्टॉक कौन से चल रहे हैं ये सब नहीं दिखाई देता ये आते ही आपको सिर्फ तीन टैब देंगे मार्केट्स ट्रेड वॉचलिस्ट मतलब आप या तो मार्केट का हाल देख लो या ट्रेडिंग करो या वॉच लिस्ट में स्टॉक को डाल दो इसमें टॉप लेफ्ट में आपको एक मेन्यू दिखाई देगा जो वॉच मार्केट्स है प्राइमरी मार्केट्स है देन इट गिव्स यू स्क्रीनर्स रिसर्च कॉल्स न्यूज चार्टिंग स्मॉल केस टूल्स क्वाइट अ बिट ऑफ थिंग्स आप मार्केट्स में टैप करते हो तो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस जो मार्केट की है अक्रॉस द सेगमेंट्स दिखती है कि किस तरह से क्या मार्केट मूवमेंट चल रहा है थोड़ा तो ओवरव्यू दिखता है बट आज हम इसकी बात नहीं कर रहे आज हम बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन की मैं मॉच मार्केट्स में से डेरिवेटिव पे जाऊंगा डेरिवेटिव मुझे दिखा रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी करेंसी अगर मुझे करना है तो क्या हाल चल रहा है क्या दिक्कतें हैं एफ एंड एक्टिविटी अट्ठाईस अप्रैल दो हज़ार की एक्सपायरी के लिए कौन से गेनर्स हैं कौन से लूजर्स हैं एक्टिव कौन से हैं स्टॉक ऑप्शन में एंड देन ऑप्शन चेन मेरे को निफ्टी की दिखा रहा है आई कैन चेंज इट टू एनी थिंग एल्स इफ आई वॉन्ट टू मैं एक्सपायरी भी चेंज कर सकता हूँ ओ आई एनालिस अगर मेरे को सिर्फ ओ आई एनालिसिस करना है एंड दैट इज़ समथिंग वी हैव लिमिटेड मतलब बहुत कम ऐप्स में देखा है जहाँ पे ओ आई को इतनी इज्जत बख्शी गई है इस केस में अलग टैब बना दिया है इन्होंने क्योंकि ओ आई इज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर द फैक्ट कि आपको बताता है कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में ज़्यादा डिमांड है या डिमांड बढ़ रही है और उसके बेसिस पे यू कैन टेक योर डिसीजन के किस कॉन्ट्रैक्ट और किस स्ट्राइक प्राइस पर आपको एंटर करना है रोल ओवर एनालिसिस आपको देता है अब रोल ओवर एनालिसिस में बेसिकली कौन से पर्टिकुलर वो स्टॉक ऑप्शन हैं इंडेक्स ऑप्शन हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल ओवर मतलब लोग अपने एक्सपायरी डेट रोल ओवर कर रहे हैं आगे लेके चल रहे हैं सो दीज़ आर गुड डेटा पॉइंट्स एंड वेरी सेग्रीगेटेड लेवल पे इनका इन्फॉर्मेशन प्लेस किया गया है मतलब अलग से टैब बनाने का मतलब ये है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड दैट्स वाई वी आर पुटिंग इट एट अ सेपरेट लेवल फॉर यू ताकि आपको कुछ जद्दोजहद खुद से ना करनी पड़े यहीं से आपको खुद पता लग जाए एनी anyway, वे एक ऑप्शन चेन को अच्छे से खंगाल के देखते हैं अभी देखिए यहाँ पे कॉल और पुट आपको दिखाई दे रहा है बोथ द साइड्स बीच में स्ट्राइक प्राइस है आप कौन से स्ट्राइक प्राइस पर एंटर करना चाहते हैं कॉल लेना चाहते हैं पुट यू कैन चेक इट आउट इसका आई वी इंप्लाइड वॉलिटैलिटी और इसका ओपन इंटरेस्ट साथ में ओपन इंटरेस्ट चेंज वॉल्यूम ये सब नंबर्स आपके सामने हैं ये लैक्स में नंबर्स हैं यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा ओ के नंबर्स लैक्स में हैं तो उस हिसाब से लुकिंग एट वाट एवर यू वॉन्ट टू आप चेकआउट कर सकते हैं इसमें ऑप्शन कैलकुलेटर भी मौजूद है जहाँ पे आप अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं जो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की आगे चल के क्या हालत होने वाली है वाट इफ़ एनालिसिस ओके दिस इज़ इंटरेस्टिंग अब तो थोड़ा थो 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 एक्सपेरिमेंट करके देख ही लेते हैं वाट इफ़ अगर कॉल ऑप्शन लेता हूँ मेरा आई वी लेट से ट्वेंटी परसेंट जम्प होता है तो उस केस में देखिए यहाँ पे देखिए प्रीमियम का कितना आपका फ़र्क पड़ रहा है सो दिस इज़ बेसिकली टेलिंग यू फ्राम ए नंबर एंड ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरीके से आपका प्रीमियम उस एक्सपायरी डेट परफेक्ट हो सकता है आई कैन चेंज दिस डेट कैलकुलेटेड अगेन एंड मेक द नंबर्स गो द वे आई वॉन्ट टू तो आई कैन कीप ऑन डोइंग दैट दोस्तों मेरे को प्रीमियम की वैल्यू यहाँ पर पति लग सकती है मैं पुट पर चला जाता हूँ तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी उल्टी हो जाएगी ऑब्वियसली दिस इज़ अगेन समथिंग डिफरेंट आई कैन चेंज इट मैं कोई और भी यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट उठा सकता हूँ डो इट योर अगर आप ख़ुद से टारगेट प्राइस टारगेट डेट एक्सपेक्टेड इम्प्लाइड वॉलीटेलिटी का परसेंटेज डालना चाहें तो आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं ये थोड़े एडवांस लेवल के फीचर्स हैं बट एट द सेम टाइम टेल यू के कॉन्ट्रैक्ट में कितना दम है कितना आ, लेवल का उसका मोमेंटम है and if you can trust that particular contract at that strike price for that expiry date or not ye aapko open interest analysis aur rollover analysis se madad milti hai what if analysis and manually agar jo aap karte hain uske basis pe you can take the help as well agar aapko sare strike price dekhne hain to you have to click this checkbox here तो उस केस में आप d p i t m d 4 t m sare ke sare contracts aap dekh sakte ho us particular entity ke across the strike prices and that is what it should be ऐसा ही होना चाहिए बिकॉज आई एज अ ट्रेडर शुड बी अलाउड टू गो एज़ डीप एज आई वॉन्ट एट आई टी एम और टी एम लेवल्स और मेरे को सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस दिखाओ प्रीमियम अपने आप हिसाब से, से देखूंगा और अगर मेरे को लगा कि मेरे को एंटर करना है तो मैं कर जाऊँगा तो इस केस में आपको टैप करना पड़ेगा ऑल स्ट्राइक्स पे बाय डिफॉल्ट उन्होंने शायद इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये पता है इनको कि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसी रेंज के बीच में रहते हैं और वो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए किया होगा ऐसा लगता है बट यू कैन चेक आउट ऑल द स्ट्राइक प्राइस सिज अक्रॉस द बोर्ड बाय क्लिकिंग ऑन ऑल स्ट्राइक्स लगी जैसे ज़ोरड़ा में होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में एंटर ही नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को क्योंकि उसमें लगता है जोरोड़ा को लगता है कि रिस्क फैक्टर बहुत हाई है तो उस केस में वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अलाउ ही नहीं करता एग्जीक्यूट करना किसी भी ट्रेडर को यू शुड अलाउ द ट्रेडर टू डू वट दे वॉन्ट टू यू कैन वॉन दैम बट डोंट स्टॉप दैम हाँ मैं इसको ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन में भी देख सकता हूँ एक्सपेंड कर सकता हूँ तो पूरी स्क्रीन पर खुल जाएगा मेरे को यहाँ पे पुट ओ आए एंड कॉल ओ आए इन डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं फॉर डिफरेंट प्राइस पॉइंट स्ट्राइक प्राइसिस के वेरियंस पे अगेन दोस्तों मैं इसका अगर एक्सपायरी डेट चेंज कर देता हूँ तो दिस विल चेंज इवेंचुअली मैं यहाँ से निफ्टी की जगह कोई स्टॉक ऑप्शन या कोई और इंडेक्स ऑप्शन भी डाल सकता हूँ देट्स अप टू मी एंटायरली हाँ बट ये ज़रूर है कि इनके पास सारे आ, इतनी दूर तक के एक्सपायरी डेट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है बट दैट इज़ वेटी मच इट यहाँ पे आप सेटिंग में कस्टमाइज़ करके ग्रीक्स पे टैप कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने ग्रीक्स चारों ग्रीक्स जो होते हैं डेल्टा थीटा वीगा गामा वो भी विजिबल हो जाएंगे उनके वैल्यूशनस के साथ सो दैट इट्स ईजियर अगेन फॉर यू टू फिगर आउट के ये स्टॉक ये कॉन्ट्रैक्ट उतना इंटरेस्टिंग है या नहीं आपके लिए चलो अब समझ में आ गया अब इसको बाय करके देखते हैं कि किस तरह से इसको बाय करना है मैं ऑन जिस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ अब मेरे पास ओवरव्यू डेप्थ टेक्निकल्स ब्ला 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 चार पांच चीज़ें आ जाती हैं अब चलो ये सब कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट देख लिया अब इसको बाय करके देखते हैं मैं यहाँ पे टैप करता हूँ कि इसका ओवरव्यू डेप्थ मतलब इसका मार्केट डेप्थ चेक कर सकता हूँ बिल्ड नास्क टेक्निकल्स न्यूज़ एंड इवेंट्स चेक कर सकता हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है दोस्तों ये अब बाय एंड सेल लिख दो यार अब टी तो कुछ भी हो सकता है चलो ये टी पे टिप टैप कर दीजिए तब आपके पास ना अभी भी आपसे एक और टैप करवाएंगे ये कि बताइए बाय करना है सेल अरे पहले से डिफ़ॉल्ट रखो ना बाय तो उन्होंने अगर मैं नहीं रखता हूँ बैक करता हूँ एंड मैं टी पे टैप करता हूँ अब देखिए बाय एंड सेल है नहीं आई हैव टू पिक वन ऑफ दीज वाई अगर आप देखिए ना कि आपके पास ज़्यादातर लोग कौन से आते हैं मोस्टली बाय आते होंगे बाय पे बाय डिफ़ॉल्ट टैप कीजिए ना नहीं किया हुआ एनी anyway, वे ये सब चीज़ें हैं आप ऑर्डर टाइप मार्केट ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं आप इफ़ यू वांट टू पुट इट यू कैन पुट ए स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी लगाया जा सकता है लिमिट प्राइस ट्रिगर प्राइस लोग जनरली कहते हैं कि इन दोनों में कम से कम तीन परसेंट का फ़र्क होना चाहिए दैट टू यू हाउ एवर यू टेक इट डे करना है या आई ओ सीजी टू कैंसिल क्वान्टिटी आप बढ़ा सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट प्रोडक्ट टाइप एफ एन ओ नॉर्मल है इंट्रा डे लेवल का है या ब्रैकेट ऑर्डर है तो दे हैव ब्रैकेट ऑर्डर जरा डिसकंटिन्यू कर दिया है लेकिन इनके पास ब्रैकेट ऑर्डर आज भी है दोस्तों टारगेट प्राइस यहाँ पे सेट कर सकते हो लॉस लगा सकते हो uh, आपको एक्सेप्टेंस बाय डिफॉल्ट लगी हुई है यहाँ पे एंड आई जस्ट हैव टू पुट अप सम वैल्यूज हियर लेट्स से अभी के लिए मैं एफ एन नॉर्मल जाता हूँ और मार्केट ऑर्डर पे टैप करता हूँ अप्रॉक्सीमेट मार्जिन आ जाएगा आपके सामने सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने आ जाएगा बाइंग विंडो वैसे ही दिखेगी सेलिंग विंडो और जो बेसिक डिटेल्स हैं अभी हमने मार्जिन डाला नहीं है इसमें तो बेसिक डिटेल्स हैं वेरिफिकेशन के लिए वो आ जाएंगी क्लिक ऑन प्लेस ऑर्डर सब कुछ ठीक रहा कंडीशंस में तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड यू विल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट तो दोस्तों दिस इज़ हाउ यू डू इट हाँ एक चीज़ और है मान लीजिए कि आपको खुद पता नहीं कि आपको किस तरह से यू वांट टू प्लेस दी ऑर्डर स्क्रीनर्स फीचर पे जाइएगा पॉजिटिव ब्रेकआउट ये बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं इनके पास जो मार्केट में से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को इक्विटी इंट्राडे लेवल पे पर अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो पर्टिकुलर स्टॉक्स को पिक करते हैं और बताते हैं कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स एंड इंडस्ट्रीज़ में मूवमेंट है मोमेंटम है लेट्स से कोई पर्टिकुलर स्टॉक में अपन देखना चाहते हैं कि पॉजिटिव ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ है तो निफ्टी फाइव बता रहा है मेरे को ये अलग अलग लेवल पर इंडस्ट्रीज़ हैं दैट इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग मी मैं एफ एंड ओ स्टॉक्स पर अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे बताता है कि अपोलो हॉस्पिटल का पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है मैं टैप करता हूँ तो मैं सीधा यहाँ पर पहुँच गया मेरे सामने ये छः सात स्टॉक आ गए जो कि पॉजिटिव ब्रेकआउट का नतीजा है उनमें हुआ है ओवरबॉड स्टॉक्स कौन से हुए हैं आई कैन जस्ट डो सेम थिंग एफ एंड ओ स्टॉक्स में उन्हें किया इस बार तो ये तीन स्टॉक्स आ गए जहाँ पे ओवर बाइंग हो चुकी है तो दैट इज़ वेयर यू कैन सी इफ़ यू वॉन्ट टू थोड़ा इंडिकेटर लगा कि आर एस आई चेक कर लीजिए एम एस डी चेक कर लीजिए यू वॉन्ट डू योर एनालिसिस किस तरह से करना है दैट्स एप्सल्ट टू योर कॉल और फिर इफ यू वॉन्ट टू गो शॉर्ट ऑन दिस या पुट ऑप्शन की तरफ जाना है तो वो भी एक आपके लिए आस्पेक्ट हो सकता है ट्राई आउट करने का बट दिस इज़ वट इज टेलिंग अस ये ये बता रहा है फीचर के एक तो आप खुद से सोच के आइए कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगाना है कौन से कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्राई कर सकते हैं वर्सेज स्क्रीनर्स आपको हेल्प करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस प्री डिफाइंड जो इन्होंने खुद से बना के रखी हुई हैं जो भी मार्केट में स्टॉक्स या कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ हलचल है वॉलिटैलिटी है जहाँ पे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है वो आपको ये डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर लुकिंग एट वॉल्यूम पे देख रहे हो ब्रेकआउट्स देख रहे हो ओवर बाइंग सेलिंग देख रहे हो देन आपको ये उस हिसाब से गाइड करता है तो so, एक तरह से आपको पुश करता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे नज़र डालिए इनमें है सारी गेम और यहीं पे आप अगर चाहें एनालिसिस करने के बाद ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं और जिन लोगों को अपना एनालिसिस करना ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं वो मेन्यू पर जाएँ रिसर्च कॉल पर टैप करें और यहाँ पे डेरिवेटिव टैप पे करें अब देखिए डेरिवेटिव के शॉर्ट टर्म लेवल पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं जो कि एज़ पर देम एज़ पर एडलवाइज़ कहाँ कहाँ पे रिकमेंडेशन के बेस पे आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं इस वीडियो में जो रिकमेंडेशन आप देख रहे हैं वो हमारी नहीं हैं और अगर आप पुरानी मोस्ट लाइकली ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा देर में देखें तो इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लीजिए इसको एक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत मानिएगा सो दिस इज़ हाउ यू डू इट यू कैन बाय हेयर एज वेल और वही चीज़ वही बाय और विंडो आ जाएगी यहाँ पर भी जहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं तो आप सीधा पक्की पकाई रिसर्च अब वो रिसर्च की क्वालिटी क्या है दैट इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर बट यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर इफ़ यू वांट टू तो दोस्तों ये थे अलग अलग एरियाज जो के आप कंसीडर कर सकते हो वाइल यू प्लेस योर एफ एंड ओ ऑर्डर्स किस तरह से ऑप्शन चेंज देखना है एनालाइज करना है पुट एंड कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना है रोल ओवर एनालिसिस कैसे करना है व्हाट इफ़ एनालिसिस कैसे करना है एफ एंड ओ एक्टिविटी क्या है अलग अलग जो ग्रीक्स हैं उनका इम्पैक्ट क्या है वो किस तरह से देखना है ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है ऑल ऑफ दैट दोस्तों स्क्रीनर्स का इस्तेमाल कैसे करना है टिप्स का यूसेज कैसे करना है यूजिंग एडलवाइज मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन ये सब बताने की कोशिश की है होपफुली आपको अच्छा लगा हो कोई डाउट है क्वेरी है पूछिए अभी के अभी वी विल कम बैक विद द आंसर्स और अगर कोई और मोबाइल एप्लीकेशन का अगर आप चाहते हैं कि हम एनालिसिस करें एफ एंड ओ की डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में भी यू कैन लेट लेटेस्ट नो दैट टू अभी के लिए इतना ही दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाय